बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन नाउ। ओके क्लास फोर, दिस इज आवर 35th सेशन ऑफ साइंस। इन दिस सेशन वी विल डू द रिविजन ऑफ यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी। बेटा क्लास फोर बहुत सारे बच्चों का यूनिट 1 का जो यूनिट 1 चैप्टर था वो बहुत सारे बच्चों का मिस हुआ था, और कुछ को अगर प्रॉब्लम थी, चैप्टर समझ नहीं आया था, बेटा आपको दोबारा से जो है एक्सप्लेनेशन भेजी जा रही है। आप जो है बेटा गौर से वीडियो को देखें, गौर से वीडियो को सुने, ताकि आपके आपकी जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई थी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ यूनिट 1 के। उसके बाद हम जो है बेटा रिविजन क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, न्यू क्वेश्चन आंसर्स हम अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ। हाउ इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होता है? ब्रिक। इसी तरह से जब हमारी बॉडी बन रही होती है तो उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। व्हेन डिफरेंट सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। सो टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। नाउ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गन्स, लाइक ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स आर आवर वाइटल ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट वर्क टूगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। The musculoskeletal system is made up of hard and soft tissues. The hard tissues include bones and joints, while the soft tissues are the muscles, tendons and ligaments. The skeletal system is consist of framework of bone, which is called skeleton. The functions of skeleton are, it is a framework of bones that helps to give strength and support to the body, frame the shape of body, protect some very important and soft internal organs, and it helps to move our body parts. Joint. A joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissue called ligament. These are two types of joints, ball and socket joints. These joints move in all directions. For example, shoulder joint and hip joint. Number second, hinge joints. These joints move bones in one direction only. They cannot move in opposite direction. Example, knee joint and elbow joint. What is ligament? Ligaments join the bones at the joint and stops it from falling apart. The muscular system consists of muscles and tendons. Now, what is muscle? Muscle is a tissue consisting of sheets or bundles of cells that are capable of contracting to produce movement. Now, what are tendons? Tendons are thick strands or sheets of tissue that attach a bone to a muscle. Basically, what is the basic function of tendons? Tendons जो हैं वो thick sheets like tissues होते हैं, जो कि muscles को bones के साथ attach करते हैं, bind करते हैं, ताकि वो easily bones के साथ move कर सकें।
Okay, class 4. Let's come to our copy work. We will complete question 1 and question 2 of unit 1, the human body. बेटा ये न्यू क्वेश्चंस हैं, इनकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाए थे. अब मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ. आपने कॉपी में कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन इंडेक्स. यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2. राइट डेट बाय योरसेल्फ, देन कम ऑन अ न्यू पेज. ओके क्लास 4, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल पेज. Unit 1, the human body. Then in front of that page, make title page on a blank page, and then in front of that page write down the date and homework, and write question number 1. Write two differences between tendons and ligaments. बेटा हम डिफरेंसेस अब जो है टेंडन्स और लिगामेंट्स के डिफरेंसेस हमने जो है पहले नहीं किए थे, आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में. राइट टू डिफरेंसेस ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ओके बेटा, इसी तरह आपने जो है सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है. एक जगह से कम, एक जगह से ज़्यादा नहीं करिएगा. बराबर बराबर जो है आपने स्पेस लेनी है और हेडिंग डालेंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स की. देन लर्न एंड राइट आंसर विद मी. First point, tendons. Muscles join with the bone with the help of a tissue called tendon. बेटा muscles जो join होती हैं bone से, वो जिस tissue की help से join होती हैं muscle, किस चीज़ से? Bone से. तो उसे हम क्या कहते हैं? Tendon. उसे हम क्या कहते हैं? Tendon. Okay, then first point of ligaments. The tissue that joins टू बोन्स टुगेदर इज नोन एज लिगामेंट. और वो टिश्यू जो हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से दो बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं, दो बोन्स आपस में जो ज्वाइन होती हैं उसको हम, उस टिश्यू को हम कहते हैं, जिस टिश्यू की मदद से ज्वाइन होती हैं, जिस टिश्यू की हेल्प से ज्वाइन होती है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट. जो मसल्स ज्वाइन होती हैं, मसल बोन से जो ज्वाइन होती हैं, जिस टिश्यू की मदद से होती हैं, उसे हम टेंडन कहते हैं. और जब दो बोन्स, दो हड्डियां आपस में ज्वाइन होती हैं, जिस टिश्यू की मदद से ज्वाइन होती हैं, उस टिश्यू को हम लिगामेंट कहते हैं. कि इनका मेन डिफरेंस है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस मूवमेंट. ये क्या हेल्प करती है हमें कि हम मूवमेंट कर सकें. मतलब बोन्स जो है, आपको पता है बोन्स मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट करती हैं, ठीक है. और लिगामेंट हमें क्या, किस तरह हेल्प करती हैं? इट प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट. मतलब अगर हमारी बोन्स हैं, दोनों बोन्स ज्वाइन हुई हुई हैं, उसको हमने उनको सपोर्ट मिली हुई लिगामेंट की वजह से, उस टिश्यू की वजह से, वरना तो दोनों बोन्स जो होंगी क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, टूट जाएंगी. मतलब उनको मजबूती मिली हुई है, ठीक है. बोन्स को ये प्रिवेंट करती हैं कि वो एक जगह, मतलब मूवमेंट हो सके उनके अंदर और वो गिरे ना, टूटे ना, ठीक है. यू हैव टू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन. आई एम रिपीटिंग अगेन. All of you learn and write. Answer with me. Tendons, the two points of tendons and two points of ligaments. First, tendons, muscles join with the bone with the help of a tissue called tendons. Second point, it is capable of contraction to produce movement. Okay, now two points of ligaments. The tissue that joins two bones together is known as ligament. Second point, it prevent the bones from falling apart. Okay, now come to question number 2. Explain the function of the small intestine. Okay, class 2, all of you, write down question number 2, then write down answer. Learn and write answer with me. First of all, write down the heading. Function of a small intestine. In the small intestine, food becomes softer with the help of juices and absorb into the blood. Small intestine का क्या function होता है बेटा, आपको पता है. small intestine पे जब food पहुँचता है, जब small intestine में food आ जाता है, तो उसके बाद वो वहाँ पे और softer होता है, और juices की वजह से होता है. जो digestive juices होते हैं उनकी मदद से वो और soft हो जाता है, और वो
सॉफ्टवेयर होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द ब्लड, और फिर ब्लड जो है पूरी हर बॉडी पार्ट में, आपको पता है ब्लड जो है सप्लाई होता है पूरी सारे बॉडी पार्ट्स में, जो है ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करता है हमारे हर बॉडी पार्ट को, इस तरह हमारे हर बॉडी पार्ट को जो है बेटा क्या मिल जाती है, उसकी एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है जो उस फूड की होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड बिकम्स सॉफ्टर विद द हेल्प ऑफ जूसेस एंड एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। ओके, यू हैव टू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन ऑन द सेम पेज। ओके, क्लास फोर द सेशन ऑफ साइंस हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास फोर।